हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद रिमन। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री में क्लास 6 को, और चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया था इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो उसी के आगे अब हम पढ़ते हैं। यहाँ से हमें जो है रीड करना है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की जो रेलिंग है और अजंता के जो चित्र है उसमें दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी जो है वो अगले पृष्ठ पर दी गई है, तो चलिए देखते हैं वो कहानी कौन सी है। जातक कथाएं यानी कि जो भी घटनाएं होती थी उस समय, तो वह कहानी के रूप में बताई जाती थी। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत ही प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। तो जैसे हमारी नानी वगैरह हमको कहानी सुनाती हैं, तो ये सब जातक कथाओं में ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से बंदर राजा की कहानी है। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। इस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला तो उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा, क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया, पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। तो जातक कथाएं थी, उनके बारे में हमें जो है कहानियों के माध्यम से, और वहां पर जैसे अजंता की गुफाएं हैं वहां पर जो चित्र बने हुए हैं उनसे हमें जो है कहानियों के बारे में पता चलता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो कि आप नोट करें। अगला पॉइंट है विज्ञान की पुस्तकें। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट लाइनें जो है वो मिलने वाली हैं एग्जाम की अकॉर्डिंग। देखो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं पैराग्राफ में से ही निकाल कर आते हैं, इसलिए आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी में हमें कुछ नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ से ही प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में मिले भी हैं, इसलिए ध्यान से जो है इनको पढ़ते जाइए। दो बार रीड करेंगे आपको चैप्टर जो है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी आपको याद रहेगी। इसी समय जो है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री है जिनका नाम था आर्यभट्ट। इन्होंने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टई लिखा, ठीक है, आर्यभट्टई लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात जो है, जो दिन रात हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो पृथ्वी के अपनी ही दूरी पर, अपनी ही जो दूरी है उसी पर चक्कर काटने की वजह से दिन रात हो रही है। तो ये किसने कहा? गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टई में कहा। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ डाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। तो सोचिए कि उस समय भी जो है कई चीजों के बारे में जो है वो पता लगाया जा चुका था। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता भी हुए जिन्होंने भी कई खोजें कि इनके बारे में और पता लगाए। तो इस पुस्तक में जो, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है आप वो याद रखें, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या याद रखना है कि जो गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टई नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा दिन रात क्यों होते हैं, पृथ्वी का अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी आर्यभट्ट ने खोजी थी, ठीक है। तो ये आप नोट करें। इसके बाद कई जो और भी खोजें हुई, देखो शून्य, अंकों का प्रयोग पहले से ही होता रहा था,
पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति जो है वो अरबों द्वारा अपनाई गई और यूरोप में फैली। तो ध्यान रखना है, गिनती की जो पद्धति है सबसे पहले जो है किनके द्वारा अपनाई गई थी, अरबों के द्वारा, और उसके बाद जो है यूरोप महाद्वीप में फैली और आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, ठीक है, ध्यान रखना है। कहाँ के निवासी जो है वो शून्य से परिचित नहीं थे, तो रोम के जो निवासी थे वो बिना शून्य का यूज करे गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत की आयुर्वेद के दो प्रमुख चिकित्सक हैं। पहला नाम है चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, दूसरा है सुश्रुत, ठीक है। पहले का नाम क्या है, चरक, और दूसरे का नाम है सुश्रुत। तो चरक द्वारा रचित जो है चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। तो इसमें देखो कितनी महत्वपूर्ण लाइन है कि जो चरक संहिता है वह किसकी पुस्तक है, तो वह चरक के द्वारा रचित पुस्तक है और औषधि शास्त्र से संबंधित है। वहीं पर सुश्रुत द्वारा जो लिखित सुश्रुत संहिता है वह किससे संबंधित है, तो वह शल्य चिकित्सा, जो ऑपरेशन होता है ना जिसको हम कहते हैं, उसकी जो विधियां हैं उसका विस्तृत विवरण उसमें किया गया है। तो दो आयुर्वेद जो चिकित्सक हैं उनके नाम याद रखें, चरक की चरक संहिता औषधि शास्त्र से संबंधित, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा की विधियों से संबंधित। यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। बिल्कुल भी मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ चैप्टर को पढ़ाते वक्त, मुझे पता है आप लोगों का टाइम कितना इम्पोर्टेंट रहता है, और आप लोग भी इतना छोटे नहीं है कि जिनको हर लाइन जो है वो इस तरीके से बताई जाए जैसे कि आप सिक्स क्लास के बच्चे को ही बता रहे हो। आप लोगों को चैप्टर को पढ़ना है, इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो याद रखनी है, बुक है यदि तो अंडरलाइन करें, नहीं है तो नोट डाउन करें। अन्यत्र में देखें, कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का उपयोग करते हैं। तो कागज का आविष्कार जो है वो सबसे पहले जो है कहाँ हुआ, चीन में हुआ, ठीक है। काई लून जो व्यक्ति थे उन्होंने 1900 साल पहले कागज का आविष्कार किया। उसने क्या किया कि जो पौधों के रेशे हैं, कपड़े हैं, रस्सियां हैं, पेड़ों की जो छाल है, इनको पीट पीट कर क्या बनाई, लुगदी बनाई, और उसको पानी में भिगो के रख दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। कितनी मेहनत के बाद जो है आज हम जो कॉपी किताबें देखते हैं, तो वो कितनी मेहनत के बाद जो है वो बनकर हमारे सामने आई, ठीक है। ध्यान रखना है, कागज का जो आविष्कार है वह चीन के द्वारा किया गया, काई लून नामक व्यक्ति ने। आज भी हाथ से कागज बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को भी चीन ने कई सदियों तक गुप्त रखा और 1400 साल पहले जो है यह कोरिया तक पहुंचा। इसके बाद जो है कोरिया के बाद ये जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची, फिर उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अन्य भागों में फैली और आज हम इसको यूज कर रहे हैं। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी जो है वो बगदाद से ही आई। अब देखेंगे हम इसके अभ्यास प्रश्न और चैप्टर, यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो कि स्टार्टिंग जब होती है चैप्टर की, तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि जो है चैप्टर इतना सरल है, इसमें हमें याद ही क्या करना है। अभ्यास प्रश्न आता है तो वहां पर जो है वो चुप हो जाते हैं, आंसर देने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको आंसर जो है वो उस वक्त याद नहीं आ रहा होता है। ध्यान से चैप्टर जो पढ़ते हैं तो उनको याद रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित का सुमेल करो। तो यहाँ पर अगर आप मिलान करोगे तो आपका क्या रहेगा आंसर, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था स्तूप, ठीक है, तो स्तूप को जो है वो आप किससे मिलाओगे, उसको मिलाओगे आप टीला से। उसके बाद है शिखर, तो शिखर को जो है वो आपको मिलाना है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। मंडप जो है उसको किससे मिलाओगे, तो मंडप मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मंडप है, मंदिर की अगर बात कर रहे हैं तो ये वो मंडप नहीं है जहां पर विवाह होता है, ये मंडप वो है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं मंदिर में, ठीक है, वो जगह है। गर्भगृह तो देवी देवता की जहां मूर्ति की जो जगह होती है उसको गर्भगृह बोलते हैं। प्रदक्षिणा पथ जो है वो क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ जो है वो वृत्ताकार पथ है जो कि स्तूप के चारों तरफ है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखो सेकंड, तो यदि आपने चैप्टर पढ़ा है फटाफट से आप इसका आंसर दो, खाली जगह भरो। डैश एक बड़े गणितज्ञ थे, तो बताइए ये तो मैंने अभी अभी आपको जो है वो पढ़ाया है, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जो थे उनका क्या नाम था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है वो आर्यभट्ट लिख देंगे। डैश में देवी देवताओं की कहानियां मिलती है, कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर आ जाएगा पुराणों में, पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां मिलती है। देखिए मेरे को कैसे याद है ये सारी चीजें, तो मुझे भी इसी वजह से याद है क्योंकि मैंने चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, और कई बार जब हम बच्चों को पढ़ा देते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर जो है ऐसे ही याद रह जाते हैं, तो आपको भी ये पढ़ना है। अगला देखो, डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था महाभारत के वेद व्यास और रामायण जो है उनके वाल्मीकि। डैश और डैश दो तमिल महाकाव्य हैं, तो हमने दो तमिल महाकाव्य उनके जो रचनाकार हैं उनके नाम भी देखे, उन कहानियों में क्या है वो भी हमने पढ़ा, तो अब आपके माइंड में बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही जो है वो आ गया होगा। एक तो था मणिमेखलई, ठीक है, तो यहाँ मणिमेखलई आ जाएगा। दूसरा था शिल्पाधिकार, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। तो ये चैप्टर जो है वो आपका क्वेश्चन आंसर भी आपके होते हैं कंप्लीट। साइड में देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण तिथियां। स्तूप निर्माण की जो शुरुआत है हुई 2300 साल पहले, याद रखना है। अमरावती, दोबारा से देखो ये रिपीट आ गया है, अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास जो है इन्होंने जो अपनी रचनाएं की 1600 साल पहले। लोह स्तंभ जो है, लोह स्तंभ, ठीक है, तो ये कहां था, कुतुब मीनार परिषद में, ठीक है, दिल्ली। भीतरगांव का जो मंदिर है, तो याद आया आपको कहां है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। अजंता की चित्रकारी, ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि यहाँ जो रंगों का प्रयोग हुआ है तो उसमें पौधे और खनिजों का यूज किया गया है। उसके बाद है आर्यभट्ट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, ये भी याद रखनी है। हर एक पॉइंट याद रखना है, ऐसा नहीं करना है एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कहते हैं कि कहां से आता है, जबकि हर बार मैं यही कहती रहती हूँ चैप्टर को ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार पढ़िए, और आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। एग्जाम में जो है आपको घुमाकर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आप उसको हल कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।